Hello everyone, good morning to all of you. Today we have to discuss about the second lecture of computer, that is on topic structure of computer. मतलब हमारा आज का सेकंड लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, मतलब जिसमें हम स्टडी करेंगे कि हमारे कंप्यूटर के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं या मेन डिपेंडेंसी क्या होती है जिसके थ्रू एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है. तो जैसा कि आप एज यू सी इन योर स्क्रीन, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि आपके पास ये चार फिगर पाँच फिगर दिख रहे हैं, पाँच बॉक्स दिख रहे हैं, ये आपके पाँच एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर के लिए. फर्स्ट एलिमेंट इज द प्रोग्राम, इट इज द फर्स्ट, एंड सेकेंड एलिमेंट इज द प्रोसेसर, एंड थर्ड एलिमेंट इज द मेमोरी, एंड फोर्थ इज द इनपुट, एंड फाइव इज द आउटपुट. ये आपके बेसिकली पांच एलिमेंट है जो एक दूसरे से बेसिकली इंटरकनेक्टेड है, मतलब जुड़े हुए हैं. तो अभी ये इनके वर्क कैसे होते हैं, ये आपके पांच एलिमेंट. प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम इज द योर डिसाइड हाउ टू डू, मतलब ये काम कैसे होता है. प्रोग्राम इज द डिसाइड हाउ टू डू, एंड प्रोसेसर वेन टू डू, ये होता है प्रोसेसर काम आपको कैसे करना, मतलब यहाँ पे आपकी डिसाइडमेंट होती है. जैसे आपको कोई भी काम बोल दिया जाए तो आपको वो काम करना आना चाहिए, वो आपका काम करना अगर आ रहा है तो वो आपका प्रोग्राम है. और काम करना है कि नहीं करना है वो कौन डिसाइड करेगा, वो आप खुद का दिमाग डिसाइड करेगा. उसी तरीके से ये आपका प्रोसेसर, वो काम अगर आपको इन फ्यूचर याद रखना है तो आप उसको सेव करोगे, मीन्स मेमोरी यूज टू सेव योर डेटा, आपके किए हुए कंप्यूटर के डेटा को सेव करने के लिए मेमोरी होती है. एंड अब आपको वो काम मिला कहाँ से, दैट इज योर इनपुट, मीन्स गिवन इंस्ट्रक्शन या रिसीव्ड इंस्ट्रक्शन, वो होती है आपकी इनपुट. अब उस काम को करने के बाद आपको दिखाना भी किसी को पड़ेगा कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया, तो दैट इज द योर आउटपुट. ये सो एज एग्जांपल लेट्स सी व्हाट इज द इनपुट, और ये पूरा प्रोसेस वर्क करता है. तो आइए हम बात करते हैं अपने इनपुट के लिए. इनपुट क्या है, जैसे मान के चलो हमें कंप्यूटर से परफॉर्म कराना है 2+2, दैट इज 2+2, ये हो गया 2+2. तो आपका ये इनपुट में मतलब आपको एडिशन चाहिए होगा, मतलब आपको जोड़ना है या क्या करना, मतलब आपको पता है कि आपने 2+2 कर दिया. तो ये क्या करेगा, एज यू सी इन एरो प्रोसेसर के थ्रू जा रहा है, मतलब यहाँ पे जाने के बाद ये आ गया प्रोसेसर, मतलब जैसे कि आपको कुछ चीजें पता चली कि हाँ मुझे अब ये करना है. तो करने के बाद वेन टू डू, अब आपको डिसाइड करना है ये करना है कि नहीं करना है. तो आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर जैसे कि आपका सीपीयू, वो डिसाइड करेगा, उसके पास इंस्ट्रक्शन गई तो वहां से चीजें होंगी प्रोग्राम. अब ये काम होगा कैसे, तो सीपीयू के ही सारी चीजें, इस बॉक्स का सीपीयू की सारी चीजें. तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि ये मुझे काम करना है, हाँ तो अब मुझे करना है. इफ यस तब ये बात आएगी कि अब करना कैसे, प्रोग्राम हो गया. प्रोग्राम यही होता है, अगर आपके पास कैलकुलेशन या एडिशन का प्रोग्राम है तब तो ये चीजें परफॉर्म होंगी, अदरवाइज चीजें यहीं पे स्टॉप. तो ठीक है, हमारे पास प्रोग्राम है क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर पे, तो हमारे पास एप्लीकेशन का, कंप्यूटर का एप्लीकेशन या कैलकुलेशन का एप्लीकेशन है. तो हम क्या करेंगे, उस एडिशन को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा, मीन्स प्रोसेसर के थ्रू वी हैव टू गेट आउटपुट, एंड इफ यू नीड देन वी कैन सेव, हम सेव कर पाएंगे उस डेटा को. ओके, आई थिंक इज द सेकेंड एग्जाम्पल. एंड सेकेंड इज द एक नॉर्मल से कॉमन सेंस में हम बात करते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल को. जैसे मान के चलो आपको मैं अभी बोल रहा हूँ कि यू हैव टू स्टैंड अप, मैंने आपको बोल दिया खड़ा होने के लिए, तो आप अपने कानों से सुन लिए कि आपको खड़ा होना है, मतलब यहाँ का प्रोसेस हो गया कि आपने सुन लिया. उसके बाद ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, सुनने के बाद आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी खुद के सेंस में, तो खुद के सेंस में मतलब कंप्यूटर के दिमाग में गई. ठीक, तो दिमाग में जाने के बाद अब आपको है कि हाँ मुझे खड़ा होना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको खड़ा होना है कि नहीं होना है. तो अगर खड़ा होना है तब तो ठीक है, नहीं होना तो बात अलग है. तो क्योंकि अभी आप ऑनलाइन क्लास पे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है खड़ा होने की, बट इन अनदर वे किसी आप दूसरे सिचुएशन इन मीन्स इन द क्लासरूम ऑफ योर टीचर या इन फ्रंट ऑफ योर टीचर, अगर आप क्लास में हो तो यही चीज़ें बोली जाएँ कि यू हैव टू स्टैंड अप, देन यू हैव टू स्टैंड क्योंकि इट्स नेसेसरी, बिकॉज इट्स नेसेसरी. तो आपको यहाँ पे प्रोसेसर, मतलब आपका प्रोसेसर अब डिसाइड करेगा कि नहीं आपको खड़ा होना है. तो खड़ा होने के बाद ठीक, खड़ा तो होना है, लेकिन बात आती है यहाँ पे कि कैसे खड़ा होना है. खड़ा होने का प्रोसेस अगर आपको आ रहा हो तो वो खड़ा होने का प्रोसेस दैट इज द योर प्रोग्राम, हाउ टू डू, मतलब आप कैसे खड़े हो, दौड़ के खड़े हो, कूद के खड़े हो, कि आराम से धीरे धीरे खड़े हो, कैसे खड़े हो रहे हो, यह प्रोसेस होता है आपके खड़ा होने का. कुछ लोग होते हैं पहले एक पैर में आके खड़े तो होंगे नहीं, खड़े होंगे तो दोनों पैर से, तो मतलब ये काम या आपके खड़े होने का तरीका, ये है आपका प्रोग्राम, मतलब आपको पता है कि आपको कैसे खड़ा होना है, ये है आपका प्रोग्राम. तो खड़ा हो गए, बात खत्म. फिर आपको टीचर के सामने आपने आउटपुट भी दे दिया कि आपने खड़ा हो गए हो. तो अब इस चीज़ को दोबारा भी याद करना है तो आप अपने मेमोरी में सेव कर लेना, मतलब आपके खुद के दिमाग में सेव हो जाएगा कि वो चीज़ें हैं. एंड वही सेम प्रोसेस होता है आपके कंप्यूटर के सिनेरियो में. जैसे मान के चलो कि ओवरऑल सिस्टम वर्क कैसे करते हैं कंप्यूटर में, कि जैसे इस तरीके से बहुत सारे वर्क्स होते हैं. अभी बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बेसिस पे. तो इनपुट के एग्जांपल्स क्या होते हैं, इनपुट के एग्जांपल
कीबोर्ड माउस यस पेन एंड आउटपुट एग्जांपल मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर। अब प्रोसेसर की बात आती है तो प्रोसेसर की एग्जांपल मतलब आपका ये पूरा कंप्लीट, तो ये पूरा कंप्लीट होता है सीपीयू, इसका एग्जांपल सीपीयू मतलब ये आपके आपके प्रोसेसिंग डिवाइस। तो यहाँ पे भी प्रोसेसिंग डिवाइस में आ जाती है आपका प्रोग्राम या आपका काम कैसा हो रहा है आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर मतलब जैसे कि एक नॉर्मल से फील्ड में होती है, जैसे अगर आप अपने फ़ोन के साथ ये पूरे कंप्यूटर के प्रोसेस को वर्क करा रहे हो, या ये पांचों चीज़ें आपको कहीं भी मिलती है इन द डिफरेंट टॉपिक। ये अगर आपको पांचों चीज़ें कहीं दूसरी, ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस प्रोग्राम मेमोरी ये कहीं चीज़ और मिलती है, दिस इज द वर्क ऑफ कंप्यूटर। इस तरीके का काम अगर कहीं पर हो रहा है तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये पूरा कंप्यूटर का वर्क है। मतलब सिस्टमेटिक वे में अगर सिस्टम हो रहा है तो ये जितने कंप्यूटर है, वो डिवाइस आपके पास क्या है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मॉनिटर है, या सॉरी स्मार्टफोन है या मोबाइल है, क्या है। तो अगर आपके पास मोबाइल होती है तो मोबाइल में आपका वो स्क्रीन, मोबाइल में आपकी इनपुट क्या होगी, आपकी टच स्क्रीन, वो है आपकी इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस भी आपकी टच स्क्रीन है अगर आपका फोन टच स्क्रीन हो तो। अगर टच स्क्रीन नहीं है तो आपका डिस्प्ले सिस्टम, बस डिस्प्ले पोर्सन, ना कि कीबोर्ड का पोर्सन। कीबोर्ड का पोर्सन अगर है नीचे वाला तो दैट इज योर इनपुट, एंड ऊपर वाला पोर्सन अगर है तो वो आउटपुट। अब बात आती है कि प्रोसेसर क्या होता है। तो प्रोसेसर मतलब जैसे नाम सुना होगा आप लोगों ने भी, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम एंड ईटीसी, जैसे मोबाइल में प्रोसेसर होते हैं स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम का प्रोसेसर होता है, या कैसा चिपसेट है 32 बिट का चिपसेट, इस तरीके से होते हैं। एंड प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम मतलब आपका फ़ोन किस तरीके से वर्क करता है। तो किस तरीके से, जैसे लेटेस्ट फ़ोन होते हैं आजकल के टच स्क्रीन, तो उनका प्लेटफॉर्म होता है एंड्रॉयड, या उनका प्रोग्राम होता है एंड्रॉयड। तो वो क्या है, उनका प्रोग्राम है, वो एंड्रॉयड के प्रोग्राम पे वर्क करते हैं। उसी अनदर वे में जाओ तो आपके पास आईफोन है, तो उनका प्रोग्राम क्या होता है, आईओएस, आईओएस का वो प्रोग्राम चलाते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम में जाओ तो कंप्यूटर में वहाँ पे वो प्रोसेसर यूज करते हैं, आई कोर का प्रोसेसर यूज होता है उनके पास। प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम इज लाइक द विंडोज, विंडोज 7, विंडोज 1, विंडोज 2, मीन्स उनका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हो गया प्रोग्राम। एंड मेमोरी में 32 बिट का चिपसेट, 42 बिट का चिपसेट या 62 बिट का चिपसेट, ये होते हैं आपके मेमोरी हो गए। अब वही मेमोरी सिस्टम आपके मोबाइल में, इंटरनल मेमोरी जो आपकी होती है, आपका जो रैम होता है, 8 GB, 10 GB, 12 GB, 6 GB, 2 GB, ये आपके मेमोरी सिस्टम होते हैं। एंड वही चीज़ें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपका ये आउटपुट था। ओके आई थिंक इफ यू हैव ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द स्ट्रक्चर, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर एंड देयर आर द कंप्लीट विद द फाइव एलिमेंट, फाइव एलिमेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर प्रोग्राम एंड मेमोरी, दीज आर द फाइव एलिमेंट। एंड अभी ये चीजें वंस अगेन लेट्स रिवाइज। इनपुट इट इज यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम दैट डिसाइड हाउ टू डू योर वर्क, मीन्स आप अपने काम को कैसे कर रहे हो वो तरीका। प्रोसेसर कब करना है क्या करना है, मीन्स आपकी मेन डिसाइडमेंट आपका दिमाग। मेमोरी उस डेटा को हमको सेव करना है तो जरूरत होती है तो, इफ दे नेसेसरी। एंड आउटपुट आप उस काम को कहाँ पे दिखा पाते हो, तो वो चीजें रिजल्ट आपको कहाँ पे देखती हैं, दैट इज द कंप्लीट। या अनदर वे में चलते हैं आपके इनपुट के एग्जांपल पे, जैसे आपके घर पे अगर टीवी है तो आप टीवी के थ्रू चैनल चेंज करते हो, तो टीवी में अगर आप प्रेस करते हो रिमोट, तो रिमोट होता है आपका इनपुट डिवाइस। रिमोट में आपने सपोज दैट प्रेस किया 6, तो रिमोट में प्रेस तो कर दिया 6। अब रिमोट का फंक्शन मतलब रिमोट का आईसी, दैट इज योर प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड प्रोसेसर, एज यू सी इन मे बी यू दे लर्न इन योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड प्रोसेसर क्या होती है, वो आईसी के बेस्ड प्रोसेसर होता है। उस प्रोसेसर में डिसाइड होता है कि चीजें अब ये करनी है, मुझे 6 का इनपुट मिला है तो मुझे 6 दिखाना है, तो 6 के इनपुट को कैसे दिखाना है, वो रिमोट किस प्रोग्राम पे वर्क करता है वो हो जाएगा। एंड चीजें अगर सेव करनी होंगी तो रिमोट की मेमोरी में सेव होंगी, आपके टीवी में मेमोरी में सेव होंगी, वो रिजल्ट आपको कहाँ दिखता है आपके टीवी में। आई थिंक होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, kindly consult the school or subjective teacher. Thank you. Have a nice day.